गीता के कृष्ण बिल्कुल अलग हैं, मतलब जिनके मन में इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, सबके हितों की रक्षा करने वाले हैं, वही कृष्ण यदि आवश्यकता पड़े तो युद्ध के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और वो युद्ध भी नारी जाति के अपमान के कारण ही उन्होंने सबसे ज्यादा उसको बल दिया। बाकी जमीन जायदाद के झगड़े होते तो शायद कृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं करवाते। लेकिन एक कुल वधू को जुए पे लगा देना और फिर उसको केश पकड़ के घसीटना, तो इससे ज्यादा पतन तो क्या हो सकता है? तो उसको कृष्ण सहन नहीं करते। और फिर उस नारी ने उनको भाई कह करके बुलाया कि ये तो कोई रक्षा करने वाले हैं नहीं मेरी, तो आप ही आकर के कम से कम मेरी रक्षा करो। तो वो एक अच्छे पति भी हैं, एक अच्छे भाई भी हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना राम के बारे में, ऐसे ही कृष्ण के बारे में। द्रौपदी ने जब उनको भाई कह करके बुलाया तो वो सब काम छोड़ करके उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गई। और वो यदि चाहते तो वो अपनी सेना लेकर के भी उनको, कौरवों को हरा सकते थे, खुद भी युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वो पांडवों को भी थोड़ा दंड दिलाना चाहते थे। कौरवों की जितनी गलती थी तो थोड़ी गलती पांडवों की भी थी। कोई अपनी पत्नी को जुए पे लगाता है क्या? तो वो पांडवों को भी दंड देना चाहते थे। तो जब युद्ध की आवश्यकता है तो युद्ध भी करते हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन कहीं यदि हिंसा की अत्यंत आवश्यकता है तो हिंसा भी की। तो इसको कहेंगे जीवन की इंटीग्रेटेड पद्धति। मतलब महापुरुषों का जीवन समझना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति को ये लगेगा कि इनकी जीवन का सिद्धांत क्या है, कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं, एक तरफा नहीं चलते। तो जो इसको अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करके और हर समस्या का समाधान निकाल सकता है वो आत्मा कृष्ण बन सकता है। ये है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। तो इतनी सारी जो हमने चर्चा की, ये सारी हमारे जीवन में आई, हम समग्रता के पुजारी बने, खंड खंड के पुजारी ना बने। ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें रोज समझाते हैं। हम किसी एक खंड को लेकर के बस उसकी तरफ ही दौड़ते हैं, फिर बाकी सभी खंडों का उनको हम इग्नोर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, तो ये उचित नहीं है। जैसे मैंने बताया था ना भाई, एक तरफा विकास होना तो कैंसर बोलते हैं उसको। शरीर में अनवांटेड कुछ सेल्स से हैं, उनकी ग्रोथ हो जाए और जो आवश्यक है उनकी ग्रोथ उतनी हो नहीं, उसी का नाम तो कैंसर है। मतलब एक हाथ बढ़ जाए खूब बड़ा वहां दीवार तक मेरा, और ये इतना ही रहे, तो ये विकास है कि बीमारी है? तो आप कहोगे जी किसी डॉक्टर को बुला के उसको कटवा लो, थोड़ा ऑपरेशन कराओ, इसके बराबर होना चाहिए ना। तो एक तरफा यदि व्यक्ति के अंदर कोई चीज बढ़ रही है और बाकी को वो इग्नोर कर रहा है तो फिर उसको समग्र विकास नहीं कहेंगे, मतलब वो सुख लाने वाला विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत थोड़े शब्दों में संपूर्ण परिभाषा कर दी विकास की, या तो अभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सधर्म। धार्मिक बनना है तो भाई दोनों प्रकार की उन्नति करो आप। शरीर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, संसार को इग्नोर नहीं किया जा सकता, संबंधों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इन सबके पीछे जो अदृश्य जगत है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी से ही चल रहा है ये। तो कुछ केवल दृश्य के पुजारी बने, बोले ये सब ध्यान उपासना आत्मा परमात्मा ये सब हमारी समझ में नहीं आती, खाओ पियो मौज करो ठीक रखो शरीर को, तो वो भी एक तरफा विकास है, वो समग्र सुख नहीं ला सकता है। विदेश वालों की हालत देख लो, वो थे दृश्य के पुजारी। और केवल अदृश्य के पुजारी होने से, दृश्य को इग्नोर करने से भी सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको जीना तो इसी के माध्यम से पड़ेगा ना, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, संसार के संबंधों के माध्यम से, इससे दूर आप जा ही नहीं सकते।
आप कितना भी छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाओ, आपका शरीर तो आपके साथ जाएगा ना, इसको कहाँ छोड़ोगे। और जब तक एक शरीर भी आत्मा के साथ है तब तक सारा संसार ही साथ है, और उसको छोड़ने की जरूरत भी क्या है। क्योंकि हमने आज चर्चा यही की ना कि भाई ये जो दिखाई दे रहा है दृश्य जगत है, ये उस अदृश्य एनर्जी का अभिव्यक्त रूप है। और जिस अदृश्य की हम उपासना करते हैं वो इस दृश्य का सूक्ष्म रूप है, अनभिव्यक्त रूप है। है तो एक ही लेकिन अलग अलग नहीं है ना। पानी बह रहा है या बर्फ बन गया या भाप बन गया तो फॉर्म अलग अलग हो गई, है तो पानी, उसके एकत्व में कोई। इसलिए जो असली अद्वैतवाद था वो ये था, अद्वैत ये नहीं था कि भाई संसार कुछ भी नहीं है इसको छोड़ो। अद्वैत यही है कि ये जो मूर्त रूप है या अमूर्त रूप है, ये दोनों एक के ही दो फॉर्म हैं, दो स्वरूप हैं एक ही शक्ति के। ये असली अद्वैत है और यही असली समग्रता है, सर्व समन्वय इसको कहेंगे। और फिर उसमें कोई क्लेश नहीं है, उसमें दुख नहीं है। तो इतना विकास जो आत्मा करेगा वो कृष्ण बनेगा। तो हम सब कृष्ण बन सकते हैं और कभी ना कभी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी यात्रा वहीं पूर्ण होगी, उससे पहले नहीं। और कोई रास्ता भी नहीं है, नान्या पंथ विद्यते अनाय, इसको छोड़ के और कोई दूसरा पथ भी नहीं है। तो हम अपने जीवन में समग्रता के पुजारी बने, हमारे जीवन में पुरुषार्थ भी हो, प्रेम भी हो, करुणा भी हो, अहिंसा भी हो और अधर्म को नष्ट करने वाली हिंसा भी हो, मन्यु भी हो, ऐसा हमारा जीवन हो। तो ये मैंने थोड़ी आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताया। अब पीछे से कोई आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे रामायण पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? चिंतन मनन सब बंद हो गया क्या? कुछ कुछ चिंतन किया करो दिन में ना, और क्लास में प्रश्न उत्तर चलने चाहिए। प्रश्न बंद होने का मतलब भी होता है विकास के दरवाजे बंद। जीवन में जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बहुत वो बहुत क्वेरी करता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्या है, क्यों है, ऐसे पूछता रहता है। तो इसलिए उसकी उस समय आप उसके दिमाग के सेल्स को चेक करेंगे, उसके हार्ट को, किडनी को, फेफड़े को, ब्रेन को, जिसको भी चेक करोगे ना, बिल्कुल एकदम फिट मिलेगा बच्चे का। और जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो वो उसका अन्वेषण खत्म हो जाता है, पूछता ही नहीं है कुछ भी व्यक्ति, सोचता ही नहीं है, ना बाहर की एक्टिविटी करने पसंद करता है और ना दिमाग की एक्टिविटी पसंद करता है। यहाँ से बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो बुढ़ापा कभी कभी 15 साल से भी शुरू हो जाता है। ये ठीक है जी, अब पतंजलि योगपीठ में आ गए, बस अब सब समस्याएं खत्म, अब सेट हो गए, सेट नहीं अपसेट हो गए यदि यहाँ खत्म कर रहे हो तो। कुछ लोग नौकरी लगते ही उसको बंद कर देते हैं, बोल जी अब बस जीवन सेट हो गया। तो जिज्ञासाएं, प्रश्न, ये हमेशा बना रहना चाहिए जी। ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, ये बच्चे जैसा यदि आपका अंतःकरण रहेगा ना तो सारा सिस्टम बच्चे जैसा ही रहेगा फिर। और बाहर से भी एक्टिविटी होनी चाहिए। कृष्ण देखो ना, कभी नाच भी लेते हैं, कभी बांसुरी भी बजा लेते हैं, कभी पहाड़ पे भी चढ़ जाते हैं, कभी नदी में भी तैर लेते हैं, कभी गेंद भी खेल लेते हैं, तो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ बच्चों के बीच में रह करके भी अपने कमरे में बंद, बुलाना पड़ता आ जाओ थोड़ी देर तो ग्राउंड में, एक्टिविटी करना ही नहीं चाहता है व्यक्ति। तो एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, शरीर की भी होनी चाहिए, मन की भी होनी चाहिए। ओम माता श्री, हल्का सा क्रोध आते ही मैं रूपी राक्षस हमारे अंदर घुस जाता है, उसका कारण क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एनर्जी है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को। क्रोध आना बुरी बात नहीं है,
क्रोध तो अपने आप में ये कह रहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ी एक एनर्जी है, उसको किधर लगाना है, क्योंकि बाद में आपको पता लगता है ना कि इधर लगाने से तो सुख तो मिला नहीं, दुखी हो गए। तो फिर उसी समय ही कह दो कि अब अगली बार जब भी आएगा तो इधर लगाऊंगा, इधर नहीं लगाऊंगा। क्योंकि क्रोध तब आता है जब दूसरी चीज हमें स्वीकार नहीं है कि जो हो रहा है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने वहां एनर्जी लगाई कि ये नहीं होना चाहिए, पर हमारे एनर्जी लगाने के बाद भी वहां हो तो ऐसे ही रहा है, तो नुकसान हमारा हुआ ना, वेस्ट हो गई ना एनर्जी हमारी, रिजल्ट आया नहीं। तो अब ये भी हो सकता है कि उस शक्ति को मैं इधर लगाऊं, कि जरूरी थोड़ी है सारी सृष्टि मेरे ही मुताबिक चले, तो मैं मेरे मुताबिक चलूं कम से कम, तो फिर उसकी डायरेक्शन मुड़ जाएगी। और उसके फिर ये कई बार अभ्यास करना होगा, कई बार आप फेल होंगे, ऐसे सोचने के बाद भी होगा, फिर नाराज होंगे, फिर गुस्सा होंगे, फिर क्रोधित होंगे। तो आप करते ही जाएं उसको, क्योंकि छोटा बच्चा भी जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, तो हिम्मत तो हारता नहीं ना वो, तो फिर चलना आ जाता है उसको। तो ऐसे ही हमारी सारी एनर्जी ऐसी ही है कि उनकी डायरेक्शन को मोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इनको महाराज जी बोलते हैं इन सब को विवेक पूर्ण ढंग से प्रयोग करना है। अविवेक पूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं तो वो नुकसान करती हैं शक्तियां, और विवेक पूर्ण ढंग से प्रयोग करेंगे तो फिर हमारे लिए भी सुखदायी होंगी और दूसरों के लिए भी सुखदायी होंगी। तो समग्रता से ग्रहण करें जो आज हमने चर्चा की है ना, आप रिजेक्ट मत करें उसको, क्रोध नहीं चाहिए, ये हट जाए, ये व्यक्ति नहीं चाहिए। तो आप उसको पहले स्वीकार करो कि मेरे अंदर एक एनर्जी है, एक शक्ति है, और वो इतनी प्रबल शक्ति है कि जिस समय वो अपने स्वरूप में आती है तो वश नहीं चलता है, मतलब वो हो ही जाता है ना, धड़ धड़ हो ही जाता है फटाफट। तो ये इतनी एक प्रबल शक्ति है हमारे पास, तो इसका प्रयोग अब कहाँ करना है मुझे, किधर करना है। और फिर भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भाई जा मैं नहीं जानूं, आप सहायता करो, डायरेक्शन दो किधर चलूं। तो वही शक्ति आपकी शास्त्र पढ़ने में लग जाएगी, शास्त्रों को स्मरण करने में लग जाएगी, दूसरों की सेवा करने में लग जाएगी, सहन करने में लग जाएगी, क्षमा करने में लग जाएगी, एनर्जी वही है, उससे फिर आपको सुख मिलेगा। तो ये कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये सभी की ही ऐसी ही स्थिति है। ओम दीदी माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, तो फिर यदि हम जीवन में समग्रता लाएं तो उस एक लक्ष्य पे हम केंद्रित कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको समग्रता से विकास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका लक्ष्य है फेज वन जाना, ठीक है, तो फेज वन जाने के लिए आपको अपने शरीर का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और जल्दी जाना है तो किसी गाड़ी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, फिर गाड़ी में प्रयोग होने वाले डीजल पेट्रोल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, फिर उसको चलाने वाले ड्राइवर का भी सदुपयोग करना होगा, फिर रास्ते में जाते समय मानो कहीं से गंध आ रही है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो वहां तक पहुंचने में जो जो चीजें अपेक्षित हैं, आपको श्वास भी लेना पड़ेगा, उसके लिए वायु की भी अपेक्षा होगी, उन सब को आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि बस मेरे को वहां जाना है इसलिए मैं और वो लक्ष्य और बाकी का कुछ नहीं। और ये जब कहा जाता है, जैसे ये भी कहा जाता है ना कि भी आपको आपका लक्ष्य, अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिख रही थी, केवल वो दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, ये कब कहा जाता है? जब दूसरी चीजें बीच में आके बाधा डालने वाली हैं, उनको हटाने के लिए, वे बाधाओं को पहले बुलाओ फिर हटाओ, तो इससे अच्छा ये है कि उनसे दूर ही रहो। तो उस पक्ष में ये कहा जाएगा कि आपको केवल एक के ऊपर ही एकाग्र होना है, चित्त को वहीं लगाना है केवल बाधाओं के लिए, हटाने के लिए। और जब उसके ही साधन है आपके उसी लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए, तो उन सब को आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे अपने अवेयरनेस में जो लोग आते हैं तो उनका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य प्राप्त करना, आरोग्य प्राप्त करना। तो उस आरोग्य को प्राप्त करने में जितने साधन हो सकते हैं, यज्ञ भी हो सकता है, प्राणायाम भी हो सकता है,
योगासन भी हो सकता है, शुद्ध आहार भी हो सकता है, सात्विक विचार भी हो सकता है, मोटिवेशन महाराज जी का वो भी एक साधन हो सकता है, नेचुरोपैथी भी, एलोपैथी भी। तो फिर इन सब को अपनाना चाहिए। यदि यूँ कहें कि भाई केवल मुझे तो प्राणायाम से ही ठीक होना है, तो हो तो जाओगे लेकिन टाइम लंबा लगेगा ना। तो जो रिजल्ट 7 दिन में आ सकता है उसको 7 साल पे क्यों टालना। तो इसलिए कहा जाता है कि भी आपके जीवन में जो आ रहा है ना, आपने जो नहीं बुलाया और फिर भी आ रहा है, तो समझ लो कि उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो उसको स्वीकार करो और फिर अपने लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ जाओ। जैसे महर्षि दयानंद ने तो किसी से कहा नहीं कि भाई आप मेरे को पत्थर मारो, लेकिन फिर भी लोगों ने पत्थर मारे ना। तो उन्होंने उनको इकट्ठा करके सीढ़ी बना ली और उस पे पैर रख के ऊपर चढ़ गई। हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है, कोई व्यक्ति हमें अच्छा कह देता है, कोई हमें बुरा कह देता है, तो ये चीजें हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आ रही हैं। तो उनका हमें सदुपयोग कैसे करना है, ये मैं समन्वय कह रही हूं। क्योंकि हम उसको हटा नहीं सकते। जब आप एक ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप की चीजें मिलेंगी ही ना, अपरिहार्य है उनसे मुक्त रहना, वो मिलेंगी आपको। तो उन सब को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। नहीं, ये शब्द चेंज करो, ये शब्द बोलना ही अपने आप में अपने आप को पराजित करना है। ऐसे मत बोलो कि मुश्किल है, ऐसे मत बोलो, क्योंकि शब्दों की शक्ति होती है और जैसा हम बोलते हैं ना फिर वैसा ही हो जाते हैं। यदि हमने कहा कि बड़ा मुश्किल है तो मुश्किल हो ही जाएगा। आप ये बताओ कि जैसे मैं कह रही हूं, ऐसा व्यक्तित्व आज तक किसी का बना है कि नहीं बना? बना है, महर्षि दयानंद का बना, इसी संसार में तो रहते थे ना। ये जितने भी यहाँ पर चित्र लगा रखे हैं महापुरुषों के, श्री राम से लेके महाराणा प्रताप जी का, महात्मा बुद्ध का, सीता माता का, गुरु नानक देव जी का, विवेकानंद जी का, जितने भी महापुरुष हैं ऐसे ही है ना। और इन सब को भी छोड़ो, चित्र पता नहीं हमने देखा नहीं उनका जीवन, श्रद्धे स्वामी जी महाराज का जीवन वो तो हमारे सामने ही है। तो वो इतने सारे, देखो हम कितने सारे दिमाग वाले तो यहाँ बैठे हैं इस कक्ष में, और फिर इतने ही सारे दिमाग वाले फेज वन में बैठे हैं, इतने ही पदार्था में बैठे हैं, इतने ही आचार्य कुलम में, इतने ही यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, इतने आयुर्वेद कॉलेज में, इतने दिमाग वाले संगठन में, और उन सब के बीच में से कुछ ना कुछ तो निकलता ही है ना। आप तो इतने ही ग्रुप में रहते हो और महाराज जी बहुत बड़े ग्रुप के बीच में रहते हैं, तो जिसके बीच में रहते हैं वहां से कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना। तो उस सब के आते हुए, उन सब को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, तो कर रहे हैं ना ऐसे। तो यदि एक व्यक्ति कर सकता है तो उसके जैसा दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता है। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि ये मुश्किल है, पहले इस शब्द को चेंज करो, बाद में जब होगा हो जाएगा, इसको तो चेंज कर सकते हैं ना। भाई आप नहीं बन पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, नहीं बन पा रहे हो तो, पर आप पहले ये बोलना बंद करें कि जी ऐसे कोई हो थोड़ी सकता है, जी ये तो संभव नहीं लगता है, जी ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। इन शब्दों को चेंज करो, क्योंकि यात्रा की शुरुआत विचार और शब्द से ही होती है। महर्षि पतंजलि जी ने भी जब योग का प्रारंभ किया ना, तो योग की शुरुआत विचार से ही किए कि भी पहले आप अपने मन में विचार ये लाओ कि मैं कर सकता हूँ। जो हम रामायण पढ़ रहे हैं यहाँ पर, भरत जी ने भी कल यही तो बताया था, सर्वोपायम च वर्तिष्ये विनिवर्तयितुम वनात्। राम को वन से वापस लाने के लिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो मैं सब करूंगा। तो आप सबसे पहले ये बोलो कि महायोगिनी बनने के लिए जो जो कुछ करना है, अपेक्षित है, वो मैं सब करूंगी। बस ये बोलते जाओ आप केवल,
और फिर आएगा परिणाम अपने आप, क्योंकि विचार से ही सृष्टि होती है, संकल्प से ही सृष्टि होती है। आपने संकल्प लिया कि भाई मेरे को ये सांसारिक जीवन नहीं जीना है, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो जिस समाज में आप रहती थी उसमें सारी बेटियां तो साध्वी बनती नहीं है। और यदि आपके मन में ये विचार आ जाता है कि भाई इस ग्रुप में से और इस तरह से दूसरा जीवन अपनाना ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप यहाँ नहीं होते। आपने ये संकल्प लिया कि भाई सब नहीं अपना सकते हैं, वो उनकी अपने कर्माशय है, उनके अपने संस्कार हैं, मुझे तो ऐसे जीना है, तो आप यहाँ पहुँच गए। तो संकल्प से बन गई ना सृष्टि आपकी, एक अलग नई दुनिया बन गई आपकी। और यदि आपका संकल्प ये होता कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है बहनों के लिए, तो फिर आपकी सृष्टि भी वहीं होती, उसी संसार में ही, उसके लिए कुछ नहीं करना है, वो तो अपने आप पहुंच ही जाते वहां। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग हटके आपको प्रयास करना पड़ा, तो यहाँ पहुंच गए। अब यहां से भी थोड़ा अलग हटके यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा हमारा संकल्प होता है वैसी हमारी सृष्टि होती है। जिसका संकल्प ये है कि भाई ठीक है, ये रामायण की कक्षा में आना अनिवार्य है, वो यहाँ आके भी मैं देखती हूँ बच्चे हंसते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, टोकने के बाद फिर भी करते रहते हैं, कुछ सो के रहते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनके अंदर ये संकल्प ही अभी जागृत नहीं हुआ है कि मैंने इस कक्षा के प्रारंभ में कौन सा मंत्र बोला था, अग्नि व्रत पते बोला था ना, भगवान को साक्षी मान करके कहा था कि मैं एक व्रत लेता हूं इस कक्षा में, जो भी पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा वो मेरा व्रत है, मैं उसके इधर या उधर नहीं जाऊंगा। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इस व्रत का मैं पालन कर सकूं, इसकी मुझे आप सामर्थ्य देना, सिद्धि देना। भगवान जी को कहा और अब भाग रहे हो भगवान जी से मुंह मोड़ के आप, तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी क्या? ये बराबर एक घंटा याद रहना चाहिए, पर ये याद उसी को रहेगा जिसके अंतःकरण में एक प्यास है, एक आग है, एक तड़फ है, एक संकल्प है, उसको तो हर समय याद रहेगा। प्यास नहीं है उसको भाई कोई पानी पिला नहीं सकता है, जिसको तड़फ नहीं है, अब जिसको भूख नहीं है उसके मुंह में आप रसगुल्ले भी घुसाओ तो वो क्या करेगा, उल्टा फेंकेगा, आपका हाथ छुड़ा के आप कहो अरे बड़ा अच्छी चीज है खा लो वो कहते तुम्हारा दिमाग ठीक है, मेरे को भूख नहीं है, घुसाए जा रहे हो तो कुछ लोग यहाँ भी कहते हैं बोले हमारे को ये अच्छा नहीं लग रहा आप सुनाए जा रहे हो, मैं कहती हूँ सुन लो बहुत अच्छा है तो सबसे पहले स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ वाले तो बहुत अच्छे हैं, सब खा रहे हैं, सही कह रहे हैं आप सब अच्छे ही हैं, इसीलिए तो अच्छे स्थान में पहुंचे हैं। और कहीं छोटी मोटी निद्रा है तो वो टूट जाएगी, वही तो प्रयास कर रहे हैं सब मिल करके। तो आप प्रश्न भी पूछा करें और अपने आप को ये ना कहा करें कि ये मुश्किल है। ठीक, और कोई है किसी का प्रश्न, क्योंकि एक दो मिनट बची हैं, कोई एक प्रश्न लिया जा सकता है। ओ माता जी प्रश्न ये है, सुबह एक स्वप्न आया था, बड़ा ही विहंगम दृश्य था, श्वेत हिमालय का दर्शन हुआ था। श्वेत हिमालय का? हाँ। अच्छा। तो उस ओर में भागा चला जा रहा था बिना पैरों के अपनी चेतना के, तो ये तो बहुत शुभ लक्षण है। हाँ, तो मैया प्रश्न यही था कि मैं वहां तो पहुंच नहीं पा रहा था। पहुंच जाओगे, भागना तो शुरू किया ना। हाँ, तो श्वेत हिमालय जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और विशुद्ध ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि वो श्वेत है ना, इसलिए तो आप एक विशुद्ध ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आशीर्वाद, आप पहुंच जाए वहां पे। अच्छा सुनो, तो चलिए आज तो कृष्ण जन्माष्टमी में ही समय पूरा हो गया, और कल आपके कोई प्रश्न है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, और अगला सर्ग भी शुरू करेंगे। अभी दो तीन श्लोक बचे हैं इस सर्ग के, आज यहीं विराम लेते हैं। ओ
शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे श्री गुरुभ्यो नमः।